press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो दोस्तों फाइनली भारत मूवी का जो फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट है वो सामने आ चुका है। मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि इंडिया की कुछ मुख्य सिटीज हैं जैसे कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, इन सिटीज में इस फिल्म ने कहां कहां कितनी कलेक्शन की है वो ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर आरके और आप लोग देख रहे हैं राउंड वर्ल्ड न्यूज। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में मॉर्निंग टाइम में तकरीबन 65% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी देखी जा रही थी। आफ्टरनून में तकरीबन 90% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी जा रही थी। वहीं इवनिंग शोज में तकरीबन 95% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई और नाइट शोज में भी 95% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई और टोटल 1190 शोज रखे गए थे दिल्ली एनसीआर में। तकरीबन अगर औसतन अगर ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट की बात कर ली जाए तो दिल्ली एनसीआर में 86.25% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई है, जो कि काफी बेहतर ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई है और कलेक्शन के मामले में भी काफी अच्छी कलेक्शन दिल्ली एनसीआर ने करके इस फिल्म को दी है। वहीं अगर बात करें मुंबई की तो मुंबई में मॉर्निंग शोज में तकरीबन 50% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई थी और आफ्टरनून में तकरीबन 65% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई। वहीं इवनिंग टाइम में 80% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई और नाइट शोज की बात कर ली जाए तो 85% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई और वहां पर तकरीबन 1340 शोज रखे गए थे। अगर ऑल ओवर बात कर ली जाए तो 70% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट मुंबई में आज टुडे की देखी गई है। दोस्तों इसका फर्स्ट डे का जो ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आया है मुंबई का वो 70% है। वहीं अगर दोस्तों बात करें पुणे की तो पुणे में मॉर्निंग टाइम में 50% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई थी। वहीं आफ्टरनून में 70% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई। वहीं इवनिंग टाइम में 70% देखी गई थी और नाइट शोज में भी 70% देखी गई और पुणे में तकरीबन 510 शोज रखे गए थे। और फाइनली अगर बात करें ऑल ओवर ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भारत मूवी की तो 65% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट पुणे में देखी गई है। वहीं अगर बेंगलुरु की बात कर ली जाए तो बेंगलुरु में तकरीबन मॉर्निंग में 65% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई, वहीं आफ्टरनून में 90% देखी गई। वहीं इवनिंग शोज की बात कर ली जाए तो 95% और नाइट शोज की भी 95% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई, जहां पर 450 शोज रखे गए थे। और अगर ऑल ओवर बात कर ली जाए ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के बारे में बेंगलुरु में तो बता दें कि 86.25% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई है बेंगलुरु में। वहीं दोस्तों इस तरह की जो ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि दोनों की ही ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट काफी बेहतर दिख रही है। दोनों की ही 86.25% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट है। वहीं अगर बात कर ली जाए शोज की तो बता दें कि शोज जो है दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा है, 1190 रखे गए थे। वहीं बेंगलुरु में 485 शोज रखे गए थे। तो दोस्तों एक नजरिए से देखें तो दिल्ली एनसीआर बेंगलुरु से शोज के मामले में आगे निकल गई है, क्योंकि बेंगलुरु जो है 450 शोज पे ही रिलीज की गई थी, वहीं दिल्ली एनसीआर 1190 शोज पे रिलीज की गई थी। तो इस तरह से कलेक्शन के मामले में दिल्ली एनसीआर आगे निकल चुकी है बेंगलुरु से, लेकिन दोस्तों ऑडियंस ऑक्यूपेंसी दोनों की ही सेम है। तो दोस्तों दिल्ली एनसीआर आगे निकल रही है, लेकिन दोस्तों हैदराबाद सबसे आगे निकल चुकी है, क्योंकि वहां पर मॉर्निंग शोज तकरीबन 85% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई थी। वहीं आफ्टरनून में तकरीबन 95% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई थी। वहीं इवनिंग टाइम में 96% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई थी और नाइट शोज में भी 96% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई थी, लेकिन वहां पर 420 शोज ही मिले थे। लेकिन फिर भी दोस्तों बता दें कि ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट अगर हम ऑल ओवर की बात कर लें तो 93% इसकी फर्स्ट डे की ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई है हैदराबाद में भारत मूवी की। तो दोस्तों इस तरह से हैदराबाद जो है सो ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के मामले में दिल्ली एनसीआर और बेंगलुरु सबसे आगे है, यानी कि फर्स्ट स्थान पर हैदराबाद आ चुका है। वहीं अगर बात करें कोलकाता की तो कोलकाता में 80% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई है ऑल ओवर। अगर हम बात करें मॉर्निंग शोज में 55% देखी गई थी, आफ्टरनून में तकरीबन 85% और इवनिंग टाइम में 90% और नाइट शोज में 90% और 350 शोज पे ही रिलीज की गई थी। तो कोलकाता को भी मिला जुलाकर काफी अच्छी ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट मिली है 80% इसका फर्स्ट डे भारत मूवी का। अगर बात करें अहमदाबाद की तो अहमदाबाद में मॉर्निंग टाइम में 30% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई थी, 50% देखी गई थी आफ्टरनून में और इवनिंग टाइम शोज जो था उसमें 50% देखी गई थी और नाइट शोज तकरीबन 80% देखी गई है। वहां पर 410 शोज ही रखे गए थे। तकरीबन बता दें कि अहमदाबाद में ऑल ओवर अगर ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट की बात कर ली जाए भारत मूवी की फर्स्ट डे की तो 52.50% देखी गई है ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट। वहीं चेन्नई की बात कर ली जाए तो चेन्नई में मॉर्निंग टाइम में 25% ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट देखी गई थी, 95% आफ्टरनून में देखी गई थी, इवनिंग टाइम में तकरीबन 95% देखी गई थी और नाइट शोज में तकरीबन 85% देखी गई है, थोड़ा सा कम घट गई है। और 110 शोज पर ही इस फिल्म को रिलीज किया गया था। तो वहां पर ऑल ओवर अगर बात कर ली जाए तो भारत मूवी का जो फर्स्ट डे ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट है चेन्नई का वो 75% देखी गई है। दोस्तों इस तरह से कमाई के मामले में इस फिल्म का जो कलेक्शन है वो हैदराबाद से सबसे ज्यादा आया है, वहां पे ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट सबसे ज्यादा देखी गई, वहां पे शोज भले ही कम थे। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी
काफ़ी अच्छी कलेक्शन देखी गई है। भले ही बता दें कि यहाँ पे सोज जो था वो 1190 रखा गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कलेक्शन सबसे अच्छा हुआ है, दूसरे स्थान पे है ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के मुताबिक। वहीं अगर बात कर ली जाए तो तीसरे नंबर पे बेंगलुरु है, उसके बाद चौथे नंबर पर मुंबई है। मुंबई चौथे नंबर पर आ चुका है, वहाँ पर 70% देखा गया है। तो दोस्तों पहले नंबर पर हैदराबाद, दूसरे नंबर पर दिल्ली NCR और तीसरे नंबर पर बेंगलुरु और चौथे नंबर पर मुंबई है। तो दोस्तों कमाई के मामले में औसतन अगर देखा जाए तो ये शहर सबसे आगे हैं। अगर बात कर ली जाए फर्स्ट का, इसका जो नेट कलेक्शन अभी तक आ चुका है, रफ डाटा है 43 करोड़ है। अगर बात कर ली जाए ग्रॉस कलेक्शन की तो इंडिया में अभी तक 50.80 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। ये ग्रॉस कलेक्शन है, ये कंफर्म नहीं है, रफ डाटा है। वहीं दोस्तों अगर बात कर ली जाए ओवरसीज में तकरीबन 10 करोड़ का एक्सपेक्टेशन है इसका कलेक्शन। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 60.80 करोड़ का कलेक्शन इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा, जो कि फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट आएगा। लेकिन दोस्तों ये कंफर्म डाटा नहीं है क्योंकि ये रफ डाटा अभी तक का आया है। तो दोस्तों बहुत ही जल्द आपको ऑफिशियल डाटा भी कंफर्म कर दी जाएगी। फिलहाल ये जो रफ डाटा है ये ऑडियंस ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एनालिटिक ने सिर्फ एक्सपेक्टेशन अपनी जाहिर की है। लेकिन दोस्तों बता दें बहुत ही जल्द इसकी ऑफिशियल डाटा आपको कंफर्म कर दी जाएगी और आपको इस चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा जैसे ही इसके फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट ऑफिशियली अनाउंसमेंट होती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इसका फर्स्ट डे प्रिडिक्शन कहां तक जा सकता है, नीचे कमेंट्स में जरूर कमेंट कीजिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जैसे ही मेरे पास कोई भी रिपोर्ट आती है तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.